मेरा नाम गणेश गोखले है फ्रॉम टचवुड एडवाइजरी एंड मैनेजमेंट, और आज हम क्लब मेंबरशिप की जो एनिवर्सरी है, जो सेरेमनी है, वी आर गैदर्ड फॉर इट एंड आपके सवाल पूछिए. क्या है क्लब मेंबरशिप? और भी कहीं से क्लब मेंबरशिप है, आपकी क्लब मेंबरशिप में क्या है, अलग है क्या, डिफरेंट है? डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है. और आपकी जानकारी के लिए ये एक अवार्ड विनिंग कॉन्सेप्ट है, CNBC आवाज़ ने इसको अवार्ड भी किया है. एंड ये क्लब मेंबरशिप, आप जब फ्लैट लेते हैं तो फ्लैट के साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लब मेंबरशिप मिलती है, और इस क्लब मेंबरशिप के तहत आप 7 नाइट्स इंडिया में, नाइजो में या कहीं और भी आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये एक अलग चीज़ है, इट्स नॉट ओनली आपके हॉलीडेज़ को एक्सचेंज करते हैं, बल्कि आपके साथ जो बाकी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका बैंक्वेट हॉल है या अदर फैसिलिटीज़ हैं, ये आप एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये इस चीज़ का डिफरेंट है. तो और भी क्लब मेंबर देते भी हैं ना, कि अपने क्लाइंट को मेंबरशिप देते हैं, बैंक्वेट हॉल देते हैं, पिकनिक जहाँ भी जाते हैं उनको देते हैं. आप में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस उसमें है? क्या हम उसको सेल कर सकते हैं, क्या हम किसी और को भेज सकते हैं? यस. कैसे? ये डिफरेंट चीज़ की है कि ये गिफ्टेबल है, ट्रांसफरेबल है. बाकी जो मेंबरशिप होती है आप जानते हैं कि वो गिफ्टेबल ट्रांसफरेबल नहीं है, बट ये चीज़ आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो आप ये लिवरेज कर सकते हो इसको. अधिकतर आपने देखा होगा कि क्लब मेंबरशिप में क्लियर कट लिखा होता है कि इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, तो डेट इज़ अ USP फॉर दिस क्लब मेंबरशिप. तो ये माइजो कहाँ बन रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या? पालघर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर बन रहा है. और इस तरीके से हम और भी रिजॉर्ट ला रहे हैं. इनफैक्ट सिर्फ यहीं बन रहा है ऐसा नहीं, लोनावाला के पास भी हमारा प्रोजेक्ट एक्विजिशन चालू है, वहाँ बन रहा है, अलीबाग में बन रहा है. तो इसकी अब चेन बनेगी, ये जो काम जैसी ख़त्म होते आएगा इसकी चेन बननी शुरू होगी. तो कुछ और भी, और जब वो अलग बनेंगे तो जो हमारे मेंबर्स है, दे कैन एक्सचेंज, वो अपने मेंबरशिप को एक्सचेंज कर सकते हैं. मतलब यहाँ की फैसिलिटी वहाँ ले सकते हैं, वहाँ की फैसिलिटी यहाँ ले सकते हैं. तो ये जब इसका चेन बन जाएगा तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं. फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है. जैसे सब लोग का सपना होता है, जब आप रिसॉर्ट में जाते हो तो आपका एक सपना होता है कि यार ऐसे रिसॉर्ट में अपना एक फ्लैट हो. तो ये जो एक कॉमन पर्सन का, एक मिडिल क्लास फैमिली का एक माइंड सेट होता है कि ऐसी जगह पर अपना एक फ्लैट होना चाहिए, तो ये उस कॉन्सेप्ट को लिया गया है कि भाई आप लग्जरी सिर्फ सेलेक्टिव लोगों की चीज़ नहीं है, एक लग्जरी एक आम आदमी भी ले सकता है, वो भी काफ़ी किफ़ायती दाम में. 25 से 30 लाख के इसमें आपको फुल्ली फर्निश्ड एक रिजॉर्ट मिल जाता है, एक रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में फ्लैट मिल जाता है, प्लस उस पर आपको रेंटल्स मिलते हैं. रेंटल्स के अलावा आप खुद वहाँ रह भी सकते हैं और उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और बाय लोकल गो ग्लोबल, यानी लिया यहाँ पे आपने लेकिन 250 कंट्रीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं. तो ये इसका मैं रिक्वेस्ट करूँगा निज़ाम भाई को कुछ और भी इस चीज़ में एलिवेट करें. गुड इवनिंग. तारिक दोस्तों, के माइजो क्लब जी, कब इसकी स्थापना हुई, कैसे कॉन्सेप्ट के दिमाग में आया, क्या कुछ लगी इसके बारे में? देखिए, माइजो क्लब एंड रिजॉर्ट एक इनोवेशन है, जैसा कि हमने अंदर बताया आपको कि आइडियली क्या होते हैं, जो होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और वीकेंड होम है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं. यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आप कमर्शियली बिजनेस नहीं कर सकते, दैट इज़ लीगली नॉट अलाउड. और जो रिजॉर्ट और होटल प्रॉपर्टी है उसमें आप इंडिविजुअल अपार्टमेंट बाय नहीं कर सकते, आप कमरे जो है वो सिर्फ रेंट पे ले सकते हो, आप खरीद नहीं सकते. माइजो क्लब एंड रिजॉर्ट में कॉन्सेप्ट पहली बार आया है कि जहाँ पे इट इज़ अ ऑफिशियल रिजॉर्ट, ये कमर्शियल क्लब एंड रिजॉर्ट है, बट इसमें कमरे आप बाय कर सकते हो, उसको रेंट आउट कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में फर्स्ट टाइम आया, माइजो क्लब एंड रिजॉर्ट में आया. अब प्राइस की बात करते हैं. जी जी, प्राइस क्या होगा, क्या हाई प्राइस? बहुत अफोर्डेबल है, यानी आप मान के चलिए कि एक फुल्ली फर्निश्ड होटल अपार्टमेंट, यानी जैसे आप 5-star होटल में जाते हो और जिस तरह के कमरे आप देखते हो, जहाँ पे जो उसका इंटीरियर होता है और एक जो यू नो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे माइजो रिजॉर्ट्स की हम बात करें तो इसमें हर कमरे में प्राइवेट जकूजी है, लैविश बाथरूम्स है, सेंट्रली AC अपार्टमेंट्स है, और बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट में है. यानी मान लीजिए आप 30-31 लाख रुपये की अपार्टमेंट आपको फुल्ली फर्निश्ड विद क्लब मेंबरशिप मिल जाएगा, बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट. क्लब मेंबर ये होता है कि मेरे लिए है जी, सिर्फ मैं जा सकता हूँ. ये देखिए, वही सेगमेंट को हमने ब्रेक किया है, बिकॉज आज तक एक क्लबिंग का कल्चर चलता आया है कि भैया क्लब मेंबरशिप अगर आपकी है तो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, आपके अलावा उसका यूज़ नहीं है. मान लो मैं क्लब महिंद्रा का मेंबर हूँ, मैंने 12 साल पहले मेंबरशिप ली थी, बट वो मेंबरशिप मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ की है, बट आज वो मेंबरशिप का मुझे कुछ यूज़ नहीं.
अगर मैं चाहूँ कि वो मेंबरशिप मैं आज छोड़ दूँ, एग्जिट कर दूँ, तो मुझे कुछ रिफंड भी नहीं मिलेगा, या मैं सोचूँ कि भाई मैं अगर नहीं जा रहा, मैं मेरी जगह आपको भेजना चाहूँ, तो भी पॉसिबल नहीं है। बट माइजो क्लब में ये प्रोविज़न है कि आपकी मेंबरशिप जो है आपने 5 साल 10 साल 15 साल यूज़ करने के बाद भी आप सेल कर सकते हो, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये मेंबरशिप में अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने कोई फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को भेजना चाहो, उनको भी आप भेज सकते हो। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको लगेगा कि भाई मैंने पैसे दे के ये खरीदा है, मैं फ्री में गिफ्ट की करूँ, मैं किसी को सेल कर दूँ, आपको सेलिंग का भी प्रोविज़न है। ये फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट माइजो ने दिया। रेंट पे भी दे सकते हो आप बिल्कुल। अगर आपके मान लीजिए क्लब महिंद्रा में आपकी 7 नाइट्स की मेंबरशिप है, आपने यूज़ नहीं की, वेस्ट हो गई। यहाँ पे आपका अगर 7 नाइट्स है, वो 7 नाइट्स आप ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो। जिसको आपने सेल किया है उसको भी उतनी ही फैसिलिटीज़, उतनी अमेनिटीज़ क्लब में मिलेगी। गुलशन ग्रोवर जी, हमने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था हेवन एज, उसमें गुलशन जी हमारे मेंबर हैं। इज़ अ फ्लैट ओनर हमारे एक प्रोजेक्ट में, उनके अपार्टमेंट खुद के भी हैं। इज़ अ वेलविशर बोलिए, या वो यू नो ब्रांड प्रमोशन के लिए बोलिए, तो सेलिब्रिटीज़ का वो टच है, बट ही इज़ अ कस्टमर। गुलशन जी ऐसा नहीं है कि वो प्रमोशन के लिए या ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए आए हैं, वो हमारा एक प्रोजेक्ट है हेवन एज मनोर में, उसके बाकायदा इज़ अ मेंबर, फ्लैट ओनर है। महिमा जी गुलशन जी के साथ आएंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने बात की, कई सारी बातें? बहुत अच्छा लगा उनको, महिमा जी को भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। बिकॉज देखिए क्या है कि सेलेब्स जो हैं इनको ट्रैवल और टाइम शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भले वो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो जो बर्डन है, इधर वो प्रोडक्शन हाउस पे जाएगा या सेलिब्रिटी पे जाएगा। मान लीजिए उनकी शूटिंग चल रही है दुबई में फॉर एग्जांपल, अब उसमें दुबई में अगर उनको 20 दिन का शूट है तो 20 दिन के लिए उनको होटल के कमरे बुक करने, तो उसका जो बर्डन है या तो वो प्रोडक्शन हाउस पे जाएगा या तो स्टार पे खुद आ जाएगा। बट यहाँ टाइम शेयर में वो कमरे वो एक्सचेंज कर सकते। मान लीजिए अगर गुलशन जी का अपार्टमेंट है माइजो क्लब एंड रिजॉर्ट में और 20 दिन का शूट चल रहा है, तो ये अपार्टमेंट के 20 नाइट्स एक्सचेंज करके वहाँ पे वो फ्री में 20 नाइट दुबई में ले सकते हैं। ये उनको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदे की चीज़ है। टाइम शेयर दर्शकों से ये कहेंगे कि देखिए ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत लिमिटेड मेंबरशिप से, ऐसे नहीं कि हमेशा मिलने वाला है। दूसरा, ये मेंबरशिप में जो बेनिफिट्स आ रहे हैं कि आप अगर नोटिस करोगे तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग का कल्चर चल रहा है। आप लोग तो काफ़ी इवेंट कवर करते रहोगे, सेलिब्रिटीज़ ने तो शुरू किया है कि भाई डेस्टिनेशन वेडिंग की जाए, कहीं बाहर यू नो कोई रिजॉर्ट में जाया जाए, होटल में जाया जाए, या भाई कोई फोर्ट वगैरह में शादी की जाए। तो वो जो कल्चर है, अगर वो जनरल पॉपुलेशन में आप लेके जाओगे तो दैट विल कॉस्ट यू मोर देन 50-60-70 लाख। मान लो आप अगर एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करो जहाँ पे आप 50-60-70 फैमिली को बाहर से बुलाओ, उनको 2 दिन आप रिजॉर्ट में ठहरवाओ, वहाँ का बैंक्वेट है, लॉन है, वो सारी चीज़ यूज़ करो, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जनरल पॉपुलेशन के लिए बेनिफिट ये है कि अगर आप माइजो क्लब एंड रिजॉर्ट के मेंबर हो, आपको लाइफ में 2 बार डेस्टिनेशन वेडिंग हम फ्री दे रहे हैं। यानी आपके अगर किसी की बच्चे की फैमिली की शादी है तो 2 डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसमें आपको मिलेगा वेडिंग लॉन, उसमें आपको मिलेगा बैंक्वेट हॉल, उसमें आपको मिलेगा पूल एरिया, और 60-60 फुल्ली फर्निश्ड कमरे मिलेंगे 2 दिन के लिए। और बेस्ट पार्ट ये है कि मान लो आपके बच्चे ने, आप मेंबर हो, आपके पास डेस्टिनेशन वेडिंग का पैकेज भी है, बट अगर आपका बच्चा बोलता है कि भाई यहाँ पे शादी हमको नहीं करनी, तो वो शादी का पैकेज आप सेल कर सकते हो। आप कोई इवेंट प्लानर है, कोई इवेंट मैनेजर है, कोई ट्रैवल एजेंट है, उनको आप वो शादी का पैकेज बेच सकते हो, उसमें जो पैसा मिलेगा वो पूरा आपका है, वो पैसे से आप कहीं और शादी कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। उसमें क्लब कोई चार्ज नहीं कर रहा है, कोई रॉयल्टी है नहीं, नथिंग। इसमें आपको 2 डेस्टिनेशन वेडिंग फ्री मिल रही है मेंबरशिप के साथ, एवरी ईयर आपको पूल पार्टी फ्री मिल रही है, एवरी ईयर आपको प्राइवेट थिएटर का स्क्रीनिंग मिल रहा है, और एवरी ईयर आपको 7 नाइट्स मिल रही है। 7 रात के लिए आप या तो माइजो रिजॉर्ट में रह सकते हो, या माइजो रिजॉर्ट्स में अगर नहीं तो जो टाइम शेयर में जो कॉन्सेप्ट है बाकी जो इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स है उसमें भी एक्सचेंज में आप ले सकते हो। तो दिस इज़ द टाइम, अभी अपॉर्चुनिटी है। ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि जितना जल्दी हो सके अपना माइजो का मेंबरशिप आप ग्रैब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। I'm the founder and CEO of Travelize Worldco. And Travelize Worldco is one of the largest and one of the fastest growing timeshare exchange companies in the world today. We've also been awarded by CNN IBM and for this kind of a cause. At present, we are present in 14 countries. We have got about 147 plus resorts. And we are servicing about 17,000 plus members across the globe. How to merge Maizo Club? So, actually what happens that my job is basically to trigger off a lot of these developers who are interested in, initiating their membership business. So that's our core forte is. So once this business gets over, in fact, once they start this business, so what
we come as a value added service, because if tomorrow a member of Mizo buys Mizo for a purple membership or a gold membership, he will like to have further access, he will like to have further choice, he will like to have further experiences into other resorts as such. So we are basically these exchange body, as a, we work as a catalyst, we provide the the bridge. So tomorrow, if you do not want to go to Mizo, you can deposit your week into Travelize, and you can travel to Maldives, you can travel to Dubai, you can travel to Phuket, Pattaya, Karabi, you name those exotic destinations. Not only in those 14 countries, in India itself we have got about 80 plus resorts. What's the benefit of membership and all? First and foremost thing, you pay today's cost to secure your 20 years ahead holidays. It becomes an inflation-free holiday. Secondly, it's a very good platform to have at least understand the value of 7 days out of those 365 days where you can spend with the family. Third, not only you can basically understand, enjoy, do the leisure activities in your home resort, you have a full-fledged platform to buy one membership and travel the world across in the next 20 years or 25 years. So these are the basic benefits. So in the world, gentlemen, 86% of the timeshare is being sold while keeping the exchange portfolio in mind or exchange value in mind. Thank you, sir. Thank you so much. ऐसा है प्रोजेक्ट्स करेंगे कि हमारे एडवर्टाइजिंग और फ्लैट ओनर्स के लिए है। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये प्रोजेक्ट अपना इधर से 1 आवर्स डिस्टेंस है, विक्रमगढ़ रास्ते पे 7 किलोमीटर नासिक रास्ते पे है, विक्रमगढ़ से पहले नासिक रास्ते पे 7 किलोमीटर है। विद इन 1 आवर्स में अपन वो प्रोजेक्ट पे विक्रमगढ़ में पहुँच जाते हैं। तो रेट रीजनेबल रेट में है, क्या है रीजनेबल रेट है, और उसके सामने इतने बेनिफिट्स है कि फ्लैट की कॉस्ट तो जीरो हो जाती है। उसमें हम लोग बहुत से ऑफर दिए कि फ्लैट की कॉस्ट ऑलरेडी जीरो होती है। मेरा नाम प्रेम कुमार शर्मा है और मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ जो लोगों को फाइनेंशियल मार्केट का एजुकेशन देता हूँ, और उसके साथ साथ क्रिप्टो जैसे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में उन्हें एजुकेट करके उन्हें फाइनेंशियली कैसे वो इसमें इस मार्केट से पैसा प्रॉफिटेबल कर सकते हैं वो करता हूँ। लेकिन माइजो की बात करूँ तो पिछले 3 महीने से इस क्लब का मेंबर रहा हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि मैं पूरा जो ड्रीम था कि फैमिली को एक अच्छा डेस्टिनेशन जगह पे लेके जाओ जहाँ पे वो एंजॉय कर सके, ये पूरा का पूरा मेरा ड्रीम माइजो में आने के बाद हुआ है। इसका पूरा श्रेय जाता है पूरा इंटायर टीम, जो हमारे जो टीम मेंबर्स है माइजो के, जो डायरेक्टर्स है निजाम सर, श्रीश सर, आशीष सर जो फाउंडर है जो ट्रेवलाइज कंपनी के, इज़ द बेस्ट। क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस लिया हूँ माइजो क्लब मेंबर जब बनने के बाद, आप बिलीव नहीं करोगे 10 ईयर्स का मेरा एनिवर्सरी था और ड्यू टू फैमिली रीज़न मैं बाहर ट्रैवल करने का सोच ही नहीं रहा था कि मतलब बच्चों को लेकर कैसे जाऊँ, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ निजाम सर एंड दिस ट्रेवलाइज कंपनी मुझे मालदीव्स का ट्रिप मिला और 3 नाइट्स वो भी सी प्लेन के साथ, मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चा बेटा शिवांश के साथ मैं ट्रैवल किया। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मैंने क्रूज इंडस्ट्री में भी काम किया है, 110 कंट्री घूमा, लेकिन मैं फैमिली को नहीं घुमा पाता था, बट ऑल ड्रीम्स इज कमिंग, मेरा जो पूरा हो रहा है ऑल बिकॉज ऑफ माइजो। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंस माइजो में कहना चाहूँगा, जब भी आप एज ए कॉमन पर्सन आप जब देखते हो तो क्या देखते हो डेस्टिनेशन जाने के लिए, कहीं भी वेकेशन जाने के लिए? 5 फैक्टर्स। एक होता है कि क्लीननेस, जो कोरोना के बाद आपको लगता है कि क्लीन रिसोर्ट हो। दूसरा, बजट फ्रेंडली हो, सर्विस अच्छा, बेस्ट सर्विस मिले, प्लस उसके बाद आपको लगता है कि एक एक्टिविटीज़ बहुत सारा हो। लेकिन पूरा का पूरा क्लीननेस के मामले में मैं कहूँगा आउट ऑफ 100 जो इनका जो लिनन है डिकोर का, जो कोई भी रिसोर्ट में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो पहले जो बाथरूम का जो डिज़ाइन बनाया गया है जैगवार फिटिंग और ऑल, तो ये सारे क्लीननेस के मामले में बोलूँगा कि 100% माइजो जो उनका एक पहला प्रोजेक्ट है हेवन हिल्स, मैं जाके इंजॉय भी किया हूँ फैमिली के साथ। और बाकी बजट फ्रेंडली तो है ही, और मैं विरार में रहता हूँ, मेरे से बहुत नज़दीक में 45 मिनट्स का ड्राइव है, तो मैं फैमिली को लेकर कभी भी जा सकता हूँ। प्लस अगर माइजो में अगर नहीं इंजॉय करना तो मैं अलग टाइम शेयर कंपनी के साथ टाइप है, ट्रेवलाइज कंपनी,
जो है उनके उनके हेल्प से मैं दूसरे कंट्री में भी ट्रैवल कर सकता हूँ. तो ऑल द बेनिफिट्स आर देयर. और जो मेंबर अभी नहीं बने हैं माइजो में, प्लीज़ इसके बारे में सोच सकते हो. प्लस स्टूडियो अपार्टमेंट लिया हो मैं, वहाँ से इनकम भी अर्न हो रहा है, साथ में मेरा ड्रीम भी पूरा हो रहा है और अपना वेकेशन भी कम्प्लीट हो रहा है. सो दैट्स ऑल आई कैन से, दैट्स अ कम्प्लीट पैकेज एंड पीपल शुड डेफिनेटली, अगर ये पूरा सोल्ड आउट हो गया तो ज़रूर बोलेंगे कास्ट मैंने भी एक ये माइजो का मेंबर बना होता या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट लिया होता. तो आई फील वेरी प्राउड. थैंक्स टू द टीम, थैंक्स टू द ऑल मेंबर. थैंक यू, थैंक यू. फिरदौस नूरी है, मैं इस क्लब की मैंने मेंबरशिप ली है एंड आई एम वेरी हैप्पी. बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डायनामिक प्लान है और बहुत ही अच्छा ये माइजो क्लब मीन्स प्रोजेक्ट है. मैंने तो लेकर बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. आई विश और दूसरे लोग भी इसे ले. थैंक यू.